जानवर और लेके। गजब बेइज्जती है। नंद का नंद जानवर को छोड़ेंगे, मुझे छोड़ के आने वाले हैं ये लोग। थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस हम। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं जूलॉजिकल पार्क एंड गाइस अभी हम यहाँ इस एवियरी इसमें गए थे, ठीक है, बर्ड्स एवियरी। आई थिंक यू आर अवेयर अबाउट इट एंड इट स्मेल्स सो बैड, लाइक लिटरली सो बैड कि आई ऑलमोस्ट प्यूक। मुझे ऐसा प्यूकिश फीलिंग आ गई एंड जीरो मेंटेनेंस ऑफ दिस वन। यू कैन सी द वाटर इज टोटली ग्रीन। इतना गंदा पानी है भाई यहाँ पर, कोई मेंटेनेंस नहीं है। क्या इन बर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं हिप्पो। ऐसा कोई मुझे अचंबा नहीं हुआ इन्हें देखते हुए, क्योंकि जिस दिन मैं पहले दिन आई थी उड़ीसा, मेरे साथ 4 हिप्पो ऑलरेडी मेरे रूम पे थे। देखो इनकी शक्लें यार, ये शुक्र मनाओ एक नहीं बोला। डैम हाय हाय हाय, आगे बैठे बैठ जाओ, तुम दो आगे बैठे हो। दो आगे बैठो, मेरा फोन दे दो यार, मेरा फोन देना। ये ले ये हमारी टिकट है। तो गाइस अब हम लोग इस क्या ये कार चला नहीं यहां तक। हां हम तो इस चला चला भाई, हम इस कार में बैठ चुके हैं और अब हम चलेंगे जू घूमेंगे, क्योंकि हमारी हालत नहीं थी पहले चलने की। मर जाते हैं, 7.5 किलोमीटर था, तो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा पैसा और खर्च करके हम इस कार में घूमेंगे, राइट ना। तो लेट्स गो जी। वो वो रेप्टाइल लेफ्ट साइड देखो, तुम खड़े हो। अरे जोया कितने बड़ी फोटो दे रही। जोया तू यहाँ क्या कर रही है? उधर देख के हिला 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 हिला। आजा बाहर आजा, पानी लूंगी यार, इनका पानी भी नहीं भरा था। बहुत जल्दी इसको पाल ला, इस लड़की को। एक ये रे सांप मेरे सामने और 4 सांप ये रहे। कितनी प्यारी गर्दन है। तो गाइस जू जू घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं पूरी पीरू बीच पर। एग्जैक्टली वी आर गोइंग एट द पीरू लोकेशन, जहाँ पर हम घूमेंगे बीच और जाएंगे यहाँ के फेमस मंदिर में। मंदिर का नाम मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी अभी नहीं, तो चलते हैं पीरू बीच। हैप्पी आई एम राइट नाउ, लाइक आफ्टर गोवा आज मैं आई हूँ बीच पे दोबारा और मैं बहुत खुश हूँ यार। लाइफ में सेकेंड टाइम मैं देख रही हूँ बीच एंड इट्स प्रिटी अमेजिंग एंड लेट मी इन्जॉय द मोमेंट। थोड़ी देर में करते हैं बात। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने दूसरे बीच पर और ये दोनों मोहतरमाएँ बैठी हैं। ये करी है मैगी का वेट और ये करी है फोन पे बात। पीछे बन रही हमारी मैगी और दीदी हो रही है तैयार फोटोशूट के लिए और मैं हो रही हूँ तैयार फोटोशूट के लिए, क्योंकि मुझे खींचनी है बहुत सारी फोटो। सामने है बीच एंड ट्रस्ट मी आई एम हैप्पी देन एवर, आई एम फीलिंग सो गुड। तो करते हैं थोड़ा सा फोटोशूट।